अस्सलाम वालेकुम क्लास, वी होप सो यू आर फाइन एट होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर्स। वी हैव टू राइट ऑन नोटबुक्स। आर क्वेश्चंस आर टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 व्हिच वी हैव टू राइट ऑन नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट द राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द सीरियल नंबर व्हिच इज 5, देन डेट 19, 3 and 21 आर यूनिट इज यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड आर पेज विल बी 9। सो यू हैव टू मेंशन द डे। टुडे इज फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे, एंड द डेट इज 19, 3 and 21। हेयर यू हैव टू मेंशन द यूनिट unit number 2 and the topic will be good question answer. Our question number 4 is, what are the 7 life processes shown by living things? WHATW capital aega. What are the 7 seven 7 life life processes 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 life processes shown shown by living 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 things things living things। क्या पूछ रहे हैं आपसे वो, what are the 7 life processes shown by living things, के वो कौन से 7 जो हैं वो processes हैं, life processes हैं जो living things show करती हैं। तो हमने living things के कौन कौन से character पढ़े थे, good, movement, growth, breathing, obtaining food, reproduction and excretion। so हम ये सारे जो हैं अपने answer में mention करेंगे। our answer is, first क्या था process, life process, growth। first हम लिखेंगे पहले movement, movement, movement होती है ना पहले living things में, living things जो है वो movement show करती हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे नंबर 1। नंबर 2 सेकंड पे हम ग्रोथ लिखेंगे, GROWTH ग्रोथ। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा ऑब्टेनिंग फूड, OBTAIN ऑब्टेन, INGING ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग फूड। फोर्थ वन इज ब्रीदिंग, BREATHING ब्रीदिंग। फिफ्थ इज रिप्रोडक्शन, REPRO रिप्रो, DUCT रिप्रोडक्शन, TION रिप्रोडक्शन। एंड सिक्स इज सेंसिंग, SENS सेंस, INGING सेंसिंग द चेंजेस, CHANGES चेंजेस। सेवन और द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन, EXCRETION excretion। Here are the 7 life processes which are showing by living thing, जो living thing जो है वो show करती हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने ऐसे ही अपनी अपनी notebooks पे question number 4 लिख लेना है। Next हम लिखते हैं question number 5 which is, what do animals breathe out, के animal जो हैं वो सांस जब लेते हैं तो फिर कौन से गैस जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है।
हाउ इज़ इट यूजफुल टू प्लांट्स, और फिर वो किस तरह जो है एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होती है, एनिमल्स के लिए किस तरह वो यूजफुल होती है, हमने ये बताना है। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट डू एनिमल्स ब्रीद आउट, डब्ल्यू कैपिटल आएगा, WHAT, व्हाट डू ANIMALS एनिमल्स, व्हाट डू एनिमल्स ब्रीथ, BREATH ब्रीथ, OUT आउट ब्रीद आउट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ इज इट यूजफुल टू प्लांट्स। पहले उन्होंने पूछा है आपसे कि जो एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं जब, तो कौन सी गैस जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, एयर में, तो फिर वो जो गैस है वो किस तरह जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो अब आप बताएं, क्या पढ़ा था हमने, हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हम एयर में जो है वो रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं, वो कौन सी गैस है, गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम लिखेंगे एनिमल्स, ANI कैपिटल आएगा, एनिमल्स ब्रीद, BREATHE ब्रीद आउट, क्या आएगा यहाँ, गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON कार्बन, DIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कब यूज़ करते हैं, यस गुड, वेरी गुड, जब प्लांट जो है फूड बनाते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे प्लांट्स यूज इट, इट हेयर इट मीन्स इट यहाँ पे शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लांट्स यूज इट व्हाइल, WHILE व्हाइल मेकिंग देयर, THEIR देयर अपना, FOOD फूड। सो एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट व्हाइल मेकिंग देयर फूड। एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस जब बाहर को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स फिर उसको यूज़ करते हैं अपने फूड बनाने में, ठीक है बच्चों। अब आपने ऐसे ही है, यहाँ पे आपने पेज नंबर मेंशन कर देना है, हेयर माई पेज नंबर इज 9, ठीक है, तो आपने अपना पेज नंबर भी साथ साथ मेंशन करना है। आपने ऐसे ही अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिखने हैं और फिर इनको अच्छे से याद कर लेना है और फिर इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आपने ज़ुबानी लिख के देखना है और अपने पेरेंट्स को या फिर अपने ट्यूटर को जो है वो सुनाने भी हैं और लिख के भी दिखाने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।